हाय गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल ब्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगा ईवीएन 400 या 600 एमजी कैप्सूल जो आता है उसका यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कैसे लेते हैं, वो सारी बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ईवीएन 400 ये एमजी ये कैप्सूल है 400 एमजी और 600 एमजी दो फॉर्म में आता है। ये इसमें विटामिन ई होता है, ये पीजी हेल्थ केयर बनाता है इसको, ठीक है। ये 400 एमजी में आता है, 600 एमजी में आता है। दसली इसमें विटामिन ई होता है, तो विटामिन ई इसके स्कर्वी रोग के लिए होता है, ठीक है। जो त्वचा के रोग होते हैं वगैरह वगैरह, त्वचा में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या फिर किसी प्रकार का सेल टिश्यू डैमेज है, तो इस कंडीशन में, कहने का मतलब है आप जख्म वखम वगैरह है उसमें भी दे सकते हैं। त्वचा में सूखापन है और त्वचा सूखी सूखी रहती है, ड्राई रहती है त्वचा, तो इस कंडीशन में भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग कुछ लोग जैसे कि ब्यूटी पार्लर में भी होता है, फेस पे लगाते हैं, कुछ लोग फेस पे भी लगा सकते हैं इसको। फेस पे लगाने के लिए जो उसका बादाम का तेल होता है, बादाम के तेल में और ये कैप्सूल 50 ml बादाम का तेल और 6-7 कैप्सूल फोड़ के दोनों अच्छे से मिला लें और फेस पे शाम के शाम लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। बाकी दिन में भी लगा सकते हैं, दिन में भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बालों में भी लगाते हैं, बालों में नारियल के तेल में मिला के इसको लगाते हैं, ठीक है। बालों में नारियल के तेल में जैसे कि 50 ml नारियल का तेल है तो उसमें 50 ml नारियल का तेल है तो उसमें लगभग 7-8 कैप्सूल फोड़ ले तो उसको भी लगा सकते हैं अच्छे से, इस कंडीशन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको ओरली भी खाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप सुबह दोपहर शाम ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। और इसको ख़रीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, ठीक है। ये खाने पीने वाली चीज़ है, तो इसको ओरली भी खाया जा सकता है, स्किन के ऊपर से भी लगाया जा सकता है, बालों में लगाया जा सकता है, और बाकी आप कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत बहुत अपनी अपनी वो होती है, कोई कैसे भी यूज करता है, कोई कैसे भी यूज करता है। वैसे तो ये ओरली ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी को ये पूरा करता है, विटामिन ई की कमी हो तब भी इसको खा सकते हैं। बाकी आप इसको किसी प्रकार का डैमेज है या फिर गर्भवती महिला है तो उसके बाद जो कमजोरी वगैरह आ जाती है, बुखार उखार कमजोरी आ जाती है तो उसमें भी दे सकते हैं इसको, कमजोरी में दे सकते हैं। घुटनों उटनों के दर्द है वगैरह वगैरह उसमें भी दे सकते हैं इसको, और अगर या दस्त कमज़ोर है तो उसमें भी दे सकते हैं, वैसे ना दे तब भी कोई दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। और इसको आंखों की कोई प्रॉब्लम है किसी को तब भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट इसके कुछ भी नहीं है। थोड़े नॉर्मली कुछ वॉमिटिंग वगैरह, किसी को उल्टी वगैरह थोड़ी थोड़ी शिकायत होती है या सर में चकराना या हल्का फुल्का दर्द होना, ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट नॉर्मली नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।